उत्तराखंड चुनाव 2022 की वर्चुअल रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। नमस्कार, मैं शिवानी, न्यूज 10 इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वर्चुअल रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कहा, देवभूमि में तुष्टिकरण का जहर घोल रही है कांग्रेस। भाजपा ने प्रदेश के पांचों लोकसभा क्षेत्रों में मोदी के वर्चुअल जन चौपाल कार्यक्रम दोबारा से तय कर दिए हैं। इस क्रम में 7 फरवरी को उन्होंने हरिद्वार लोकसभा सीट में वर्चुअल संबोधन किया। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों में उत्तराखंड के विकास के लिए जगह नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने उत्तराखंड के संसाधनों को लूटा है, हमारे लिए उत्तराखंड देवभूमि है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड उनके लिए देवभूमि है। पीएम ने ये भी कहा कि उन्होंने उत्तराखंड को एटीएम समझा, इन्होंने जनता को मौके नहीं दिए। उत्तराखंड में फिर से डबल इंजन की ही सरकार बननी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने उत्तराखंड के विकास के साथ पाप किया है, देश की सुरक्षा के साथ पाप किया है, उत्तराखंड इन्हें कभी माफ नहीं करे। उन्होंने आम जनता से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि 14 फरवरी को वोट देते समय वे कांग्रेस को और कांग्रेस के गुनाहों को याद रखें। कहा कि बीजेपी को वोट देकर राष्ट्र के सम्मान, राष्ट्र के विकास और उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने का काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक और भाजपा है जिसने अपनी सरकार में आने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य बनाया। दूसरी ओर वे लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड के निर्माण को रोकने के लिए हर संभव षड्यंत्र किया, जितने हो सकते थे रोड़े अटकाए। कांग्रेस उत्तराखंड को पीछे ढकेलने के लिए देश की सुरक्षा तक को ताक पर रखने का संकोच नहीं किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अच्छा नहीं करना चाहते और कोई और अच्छा कर दे तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। उत्तराखंड को लेकर कांग्रेस पार्टी का यही रवैया रहा है। कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार होने से चीजें कैसे बदलती है, विकास पर लगे हुए ब्रेक कैसे हटते हैं, इसका बहुत बड़ा उदाहरण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम एक दशक पहले शुरू होना था, लेकिन पिछली ब्रेक वाली सरकार ब्रेक पर ब्रेक लगाती रही। उत्तराखंड की स्थापना को 21 साल हो गए हैं। 21 साल का हमारा युवा उत्तराखंड वैसे ही नौजवान और बड़े सपने लेकर आगे बढ़ रहा है। अगले 3-4 साल बाद उत्तराखंड अपने 25 साल पूरे करेगा। राज्य को इस महत्वपूर्ण मुकाम पर आपकी अगली सरकार धामी जी के नेतृत्व में लेकर जाएगी। इसी बार के बजट में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए पर्वतमाला परियोजना की घोषणा की है। इससे पहाड़ों पर विकास के नए युग का आरंभ होने जा रहा है। आने वाले समय में यह पर्यटन बढ़ता रहेगा, रोजगार बढ़ेगा और युवा अपने सपनों को पूरा करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग पवित्र देवभूमि में तुष्टिकरण का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता यूनिवर्सिटी के नाम पर जो तुष्टिकरण यहाँ कर रहे हैं वो उत्तराखंड किसकी होगी सरकार उत्तराखंड में इस बार? आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री के इस कांग्रेस को लेकर बयान के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। फॉलो कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।